ललन सिंह जेडीयू के दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। दूसरी बार भी वे निर्विरोध चुने गए। ललन सिंह बिहार के साथ ही नेशनल पॉलिटिक्स में भी बड़े कद वाले नेता हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नॉमिनेशन में उनके प्रस्तावक खुद नीतीश कुमार बने थे। दरअसल ललन सिंह पर नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा भरोसा है, वे पार्टी के संकट मोचक कहे जाते हैं। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में ललन सिंह पर नीतीश कुमार के भरोसे के 5 कारण बताएंगे। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। ललन सिंह आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्हें दोबारा जेडीयू चलाने की जिम्मेवारी मिली है और खास बात कि ये भी बिहार के अन्य बड़े नेताओं की तरह 1974 के आंदोलन की उपज है। ललन सिंह छात्र राजनीति से ही चुनाव में आ गए थे। छात्र संघ के चुनाव में इन्होंने महासचिव के पद पर जीत दर्ज की थी। छात्र संघ चुनाव के बाद इन्होंने जेपी आंदोलन में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। इसके बाद नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद ये इनके साथ आ गए। 2004 में ये बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीत कर सांसद बने और वहीं 2009 के लोकसभा चुनाव में ये मुंगेर से चुनाव लड़े लेकिन हार गए। इसके बाद ललन सिंह को नीतीश कैबिनेट में जगह भी मिली। ये पथ निर्माण व जल संसाधन जैसे अहम विभागों के मंत्री बन गए। 2019 लोकसभा चुनाव में एक बार फिर इन्होंने मुंगेर से ही चुनाव लड़ा और इस बार जीतने में कामयाब भी रहे। अब 4th नंबर की बात। ललन सिंह कास्ट पॉलिटिक्स में भी फिट बैठते हैं। ये भूमिहार जाति से आते हैं। ऐसे में ये भूमिहार के साथ ही स्वर्ण समाज के भी बड़ा चेहरा है। दरअसल बिहार में बिना कास्ट पॉलिटिक्स के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यही वजह है कि कोई भी दल कास्ट को इग्नोर नहीं कर पा रहा है। जेडीयू ही नहीं, आरजेडी, बीजेपी और कांग्रेस भी स्वर्ण पॉलिटिक्स को लेकर आगे चल रहा है और ललन सिंह को आगे करने से जेडीयू को एक फायदा ये भी है कि उस पर लव कुश को लगातार बढ़ावा देने का आरोप भी नहीं लगेगा। जेडीयू को ही देखकर कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष के पद पर भूमिहार समाज से आने वाले अखिलेश सिंह को बिठाया, जबकि विधायक दल के नेता के पद की जिम्मेवारी अजीत शर्मा को दी। इसी तरह बीजेपी ने भूमिहार समाज से आने वाले विजय सिन्हा को नेता प्रतिपक्ष बनाया। 3rd नंबर पर चर्चा इनके स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्ट्राइकर होने की। दरअसल बिहार के सियासी गलियारों में ललन सिंह की पहचान एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्ट्राइकर के रूप में है। चुनाव प्रबंधन का मामला हो या दूसरे दलों के साथ किसी तरह के डील की बात हो अथवा पार्टी का कोई बड़ा काम हो, ये जबरदस्त ढंग से स्ट्राइक करते हैं और इनका निशाना भी सही रहता है। जब नीतीश कुमार दूसरी बार NDA से अलग हुए तो बीजेपी के खिलाफ ललन सिंह ने ही मोर्चा संभाल रखा था। और खास बात ये कि इनकी एक और पहचान है, ये पहचान काम के मामले में है। ये जिनको कह देते हैं हाँ तो उसका मतलब होता है हाँ, चाहे काम विकास का हो अथवा टिकट का हो। इस हाँ का असर इनके समर्थकों ही नहीं बाकी लोगों में भी है, वे इन पर काफी भरोसा करते हैं। काम की आस लिए लोग बस इसी ताक और फिराक में रहते हैं कि किसी तरह ये हाँ कह दे। वहीं बिहार की सियासत को जानने वाले कहते हैं कि ललन सिंह चुनावी प्रबंधन के कुशल नेता हैं। किस नेता को कब कहाँ सेट करना है और कब जमीन पर उतार देना है, इसमें इन्हें महारत हासिल है। अब बात करते हैं 2nd नंबर की। ललन सिंह ने जिस तरह RCP सिंह प्रकरण में अपना कड़ा तेवर अपनाया, उसे सबको पता चल गया कि ये कितने पावरफुल नेता हैं। और इससे ये भी साबित हो गया कि ये पार्टी के विरोधियों को होम्योपैथिक और एलोपैथिक की तरह इलाज भी कर सकते हैं और एक अच्छे सर्जन की तरह ऑपरेशन भी कर सकते हैं, चाहे पार्टी के अंदर के विरोधी हो या बाहर के विरोधी हो। ये किसी को छोड़ने वाले नहीं है, ये तन मन धन से पार्टी के लिए समर्पित है। तन और मन से लोगों ने तो राज्यसभा उम्मीदवार के चयन में देख ही लिया, जबकि धन के मामले में इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष के पहले टर्म में देख चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर पहली बार जब ललन सिंह दिल्ली से पटना आए थे तो एयरपोर्ट से लेकर पार्टी मुख्यालय तक समर्थक रैली की शक्ल में नजर आ रहे थे। हालांकि दूसरी बार अध्यक्ष बने तो काफी सादगी से इसकी घोषणा की गई। अब बात पहले नंबर की।
नीतीश कुमार के ये प्रमुख रणनीतिकार हैं और सलाहकारों की पहली पंक्ति में हैं। नीतीश कुमार भी इन पर काफी भरोसा करते हैं। उनके भरोसे का अंदाज इसी बात से लगा सकते हैं कि दूसरी बार ललन सिंह अध्यक्ष बने तो उनके प्रस्तावक खुद नीतीश कुमार ही थे। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार और उनकी अटूट दोस्ती का ही नतीजा है कि ये स्थापना काल से ही जेडीयू के साथ बने हुए हैं और पार्टी के शीर्ष पद पर काबिज भी हैं। चुनाव हो या उपचुनाव या पार्टी का कोई भी संकट, ये उसे दूर करने में सफल रहते हैं। इलाके में वोट और ताकत दोनों भी रखते हैं। नीतीश कुमार ने लालू यादव के खिलाफ और शरद यादव की नाराजगी मोल लेते हुए जब अलग पार्टी बनाने की ठानी थी, तब ललन सिंह ने उन्हें खुलकर साथ दिया था। और आरसीपी सिंह का तो इन्होंने इस ढंग से इलाज किया कि उनका मंत्री पद भी चला गया और सांसदी भी चली गई। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अपना मन पसंदीदा चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।